Yes, sir, Namdev. यस सब लोग को काफी काफी धन्यवाद। 5:30 बजे अराउंड 450 प्लस लोग कॉल पे आते हैं विद एंथुसियास्टिक एंड सो मेनी पीपल्स अराउंड कैमरा। तो मतलब आप काफी उम्मीद लेके आते हैं कॉल पे, कमिटमेंट के साथ आते हैं, तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच नीलेश फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म। तो हम लोग जो यहाँ कॉल पे आते हैं तो एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल एंड रिच एंड फेमस ऑल्सो, बराबर है क्या? नहीं, यस, हम सक्सेसफुल और रिच तो हो जाने वाले हैं, बट फेमस होने के लिए हमको कैमरा भी ऑन करना पड़ता है, सो वी कैन विजिबल टू अदर पीपल, सो दैट वी कैन वो रिकॉग्नाइज कर सके हमको जब हम लोग मतलब फेमस है तो। सो माय रिक्वेस्ट, अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज इट्स ओके, बट रिक्वेस्ट रहेगा ये। जब हम लोग ये नीलेश जी का सेशन अटेंड करते हैं तो एक चीज काफी मतलब तय हो चुकी है कि काफी सक्सेस के फॉर्मूले तो मिल गए हैं, बट मैं आपको 3 जैसे सक्सेस के फॉर्मूले बताऊंगा जो 100% सक्सेस मिलने की गारंटी है। सो कितने लोग ये सक्सेस फॉर्मूला सुनना चाहेंगे और अप्लाई करना चाहेंगे, रादर देन सुनने का ही सिवा अप्लाई करने का, इम्प्लीमेंटेशन करने का है? एवरीबॉडी, सो थैंक यू सो मच। तो नीले जी ने हमेशा मतलब ये क्रिएट किया है कि हमको विजन चाहिए करके। पहला विजन और कमिटमेंट वो आपका होता ही होता है, अगर कुछ भी चीज करने का तो पहला विजन क्रिएट करना पड़ता है एंड देन हमको कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ता है उसके साथ। सो दीज टू थिंग्स आर मतलब बात करने की जरूरत नहीं उसको, तो ग्रांटेड है कि ये चाहिए ही चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट। सो नाउ आई विल क्रिएट द 3 थिंग्स विच आर वेरी इसेंशियल टू बिकम अ लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस, और इसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल सक्सेस, क्योंकि हमको जो सक्सेस चाहिए वो लाइफ लॉन्ग चाहिए, ऐसा नहीं कि आज आए कल नहीं है परसों आए, इट इज नॉट अ व्यवसाय। उसके फॉर्मूले हम बता दें आपको, यस। सो पहला जो है रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस टू बिकम सक्सेस, वी रिक्वायर स्किल्स फॉर एनी फील्ड एंड एवरी फील्ड वी रिक्वायर स्किल्स। ए स्किल कैसा होता है, वी नीड टू एक्वायर द स्किल्स। तो स्किल क्या क्या हो सकता है, एवरीथिंग मतलब लाइक रोटी बनाना इज अ स्किल, मेकिंग रोटी और चपाती इज अ स्किल। हम लोग कभी ऐसा होता है कि पहले दिन आ गए और राउंड रोटी हो गए करके, पहले दिन होता है बहुत कंट्रीज का नक्शा बन सकता है, या जो नक्शा बनेगा वो कंट्रीज का मतलब रिकग्नाइज भी नहीं कर सकते हम लोग, बट बाय डूइंग प्रैक्टिस वी कैन मेक रोटीज राउंड रोटीज। तो हमने देखा है कि काफी जो महिलाएं हैं इतने ऐसा रहता है कि यार खाना बना रही है मतलब चपाती भी कर रही है, सब्जी भी हिला रही है मतलब चालू है, बच्चा भी है कंधे पे, फोन पे बात भी कर रही है एंड दे आर मेकिंग वेरी राउंड रोटीज। तो ये स्किल है। दूसरा, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते हैं तो टीम बिल्डिंग इज अ स्किल। अगर हम लोग डॉक्टर हैं या सर्जन है तो मेकिंग सर्जरी और डूइंग सर्जरी इज अ स्किल। लाइक हमारे जो डॉक्टर है साथ में आई क्या नहीं मालूम नहीं, भी डॉक्टर दीपक शिंदे इज अ कार्डियक पर्सन, तो बोलते हैं नाम जो एंजियोप्लास्टी वो मेरे लिए मतलब हाथ का बाएं हाथ का खेल है, बट व्हेन ही स्टार्टेड ही वाज लाइक आई वाज जस्ट शेकिंग टू डू द एंजियोप्लास्टी, बट बाय द टाइम मतलब प्रैक्टिस करते करते फिर उन्होंने वो स्किल एक्वायर कर दिया कि ऐसा स्किल है कि नाउ व्हेन द पेशेंट कम्स ही सेज कि यस आप 100% ठीक हो जाओगे करके, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू। तो आपको क्या मतलब कभी हम पहचानेंगे हम स्किलफुल हो गए करके, वो भी पहचानना जरूरी है कि हम लोग यार स्किलफुल है क्या नहीं, स्किल एक्वायर किया क्या नहीं पूरा। जब हम लोग कोई भी चीज इफर्टलेसली कर सकते हैं इट मींस वी हैव एक्वायर्ड अ स्किल इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर मैटर या पर्टिकुलर थिंग।
जैसा लाइक रोटी बनाना, अगर राउंड हो गया ये करते करते तो महिला है या जो भी है स्किलफुल हो गए ना वो, या डॉक्टर दीपक है एंजियोप्लास्टी करते करते मतलब स्किलफुल हो गए. एंड वंस वी एक्वायर दिस स्किल वी कैन टीच अदर पीपल हाउ टू मेक ऑल दोज थिंग्स. ऑल्सो वी कैन इंक्रीज अवर स्किल्स. हम फिर अलग अलग सेट स्किल सेट हम कर सकते हैं स्किल बाय स्किल बाय स्किल. तो डू यू एग्री ये स्किलफुल होना बहुत जरूरी है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है अगर आपको सक्सेसफुल हो लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो. और स्किल कैसे आ सकता है, वी हैव टू एक्वायर द स्किल, या कुछ टाइम पे हमको परचेस करना पड़ता है, वो भी बोल सकते हैं हम लोग स्किल. दूसरा है कंसिस्टेंसी. कोई मुझे थोड़ा सा बताएगा व्हाट इज मीन बाय कंसिस्टेंसी, क्योंकि बहुत लोग कंसिस्टेंसी 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 बोलते हैं, बट व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी जो आपका अंडरस्टैंड करते हैं. रूटीन में हमेशा मेंटेन रहे, वेरी गुड. और अपने आप से कमिटमेंट करना, प्रॉमिस नहीं करना, कमिटमेंट करना अपने आप से और उस पर चलना. बराबर है. जो स्किल एक्वायर किया है उसको डेली रूटीन में एवरीडे प्रैक्टिस करना. वेरी गुड उज्ज्वला जी. लगातार प्रयास करना सर. लगातार प्रयास करना बराबर है. कंसिस्टेंसी इज द कंटिन्यूटी. लाइक कंसिस्टेंसी इज द कंटिन्यूटी. आपने उसको और आगे तक इस चीज को लेके जाना. पैशनेट होना. डिसिप्लिन. डिसिप्लिन. अपने काम में सतर्क रहना. बिल्कुल बिल्कुल. आप लोग ने जो सब सबने कहा सब सही है. ओके, बट मैं आपको थोड़ा और डीप में लेके जाता हूँ. कि कंसिस्टेंसी मीन्स डूइंग द थिंग्स. मतलब लाइक अगर आप सेल्स में हो तो डूइंग कंसिस्टेंटली 5 कॉल्स इज कंसिस्टेंसी. ऐसा नहीं कि आज 2 किया कल 10 किया परसों 15 किया करके. अगर आप बोलते हैं कि मुझे सेल्स करने का है तो डूइंग ओनली 2 कॉल 3 कॉल 5 कॉल जो भी है आपका कंसिस्टेंसी. ऐसा नहीं कि 2 कॉल है 5 का, बट डूइंग इट रेगुलरली. आपको अगर सस्टेनेबल सक्सेस चाहिए तो इट हैज टू बी 5 कॉल्स और जो आपका कमिटमेंट है वो रेगुलर होना चाहिए. नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि यार 2 दिन नहीं किया मैंने तो आज मैं 15 कॉल कर लेता हूँ, फिर बाद में नहीं किया ये कर लेता हूँ करके. तो वो केस में आपको सक्सेस आएगा क्या? यस, आएगा, सक्सेस आएगा. ऐसा नहीं कि सक्सेस नहीं आएगा, बट सक्सेस वेव के जैसा रहेगा, मे नॉट बी सस्टेनेबल. बट इफ वी आर डूइंग द थिंग्स कंसिस्टेंटली लाइक दिस मेंटेन करते हैं तो सक्सेस विल बी सस्टेनेबल. सस्टेनेबल का मीनिंग समझते हैं आप लोग? मतलब थोड़ा क्रिएट करो सस्टेनेबल आपके लिए. या जो सस्टेनेबल होता है, मतलब अगर कोई भी मशीन है या कुछ भी है, मशीन के बारे में बताता हूँ या कुछ भी है, सस्टेनेबल मतलब तो पहले दिन जो परफॉर्मेंस है उसका लास्ट तक, जब अगर एक मशीन की 20 साल की कैपेसिटी है, लाइफ लॉन्ग है, तो जो पहले दिन परफॉर्मेंस रहेगा वही 20th ईयर को परफॉर्मेंस रहेगा करके उसका. अगर आपने एक बार सक्सेस पा लिया है तो हर टाइम वो सक्सेस मेंटेन रहेगा. कम ज्यादा ऐसा थोड़ा बहुत होगा, बट इट विल बी मेंटेन, सस्टेनेबल रहेगा करके हमेशा के लिए. That is called a sustainable success. So, do you think ये अगर हम लोग consistency रखते तो हमारा success consistent ये रहेगा, sustainable रहेगा? Yes. पहला क्या हो गया? Skills. Requirement. Skills. Skills. दूसरा consistency. और थर्ड जो है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड एसोसिएशन. सो व्हाट इज मीन बाय मिक्स्ड एसोसिएशन? अलग अलग स्किल सेट के लोग इकट्ठे हों उस ग्रुप में. वेरी गुड. और
मेकिंग टीम नॉट मेकिंग ग्रुप ओके ग्रेट मिक्सिंग विथ एवरीवन वेरी गुड ग्रुप में काम करना ग्रुप में काम करना अलग अलग स्किल सेट के लोगों के साथ काम करना अलग अलग स्किल्स एक्वायर करना वेरी गुड क्रॉस लर्निंग या तो आपने बोला सबने सही बोला बट मैं जो चीज क्रिएट करने वाला हूँ आप ध्यान से सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो मिक्स एसोसिएशन मतलब क्या होता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट हम क्या सोचते हैं हम क्या फील करते हैं और हम क्या एक्शन लेते हैं what we think what we feel and what we do ye tino cheez should be complete in harmony can we add what we say nahi what we think what we feel And what we do, thought, feeling, and action. सर मन बुद्धि हृदय सबका सर एक एक लाइन में फोकस होना चाहिए सर फीलिंग वुड मीन के फीलिंग वुड मीन इमोशन सॉरी फीलिंग वुड मीन इमोशन हाँ जो भी है आप कंसिडर कीजिए क्योंकि देखो इट इज कॉल्ड मिक्स एसोसिएशन तीन चीज का एसोसिएशन हो गया थॉट फीलिंग और एक्शन का क्योंकि अगर हम लोग कोई भी काम करना चाहते हैं हम अगर नर्वस है या दिमाग में कुछ चल रहा है सो कैन यू डू एक्शन द वे इट इज रिक्वायर्ड और जैसा चाहिए वैसा एक्शन होगा क्या आपका हेलो नहीं होगा जी नहीं होगा हाँ तो उसके लिए क्या चाहिए हम लोग मतलब अगर कुछ भी काम करने का है हमको इफेक्टिवली और इफिशियंटली पैशन चाहिए पैशन तो चाहिए बट वो टाइम पे हमारा थॉट प्रोसेस भी शांत चाहिए फीलिंग भी अच्छे होने चाहिए एंड देन वी कैन टेक एक्शन कि ऐसा नहीं कि अलाइंड या सॉरी वी नीड टू बी अलाइंड आई फील लाइक अलाइनमेंट ऑफ दीज थ्री अलाइनमेंट ऑफ हार्ट हेड एंड हैंड्स लाइक एग्जैक्टली सपोज कोई पर्सन सेल्स कॉल कर रहे हैं एंड उनके दिमाग में चल रहा है यार ये टारगेट नहीं हुआ है ये ऑर्डर नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा मेरा टारगेट नहीं होगा या दिल में कुछ चल रहा है यार फीलिंग अलग है घर में कुछ हुआ है बीवी के साथ झगड़ा हुआ है जो भी है वॉट एवर ही इज फीलिंग सो कैन ही मेक द इफेक्टिव कॉल No. Can he provide the listening to the customer? No. उनका requirement क्या है, उनका need क्या है? नहीं. Yes. So हमको अगर effectively करना है, तो ये तीन चीजें हमें हमेशा करनी. We need to see कि before making any action कि यार मेरा thought process, feeling और ये सही है क्या नहीं है. Whether I am aligned for that करके. And then we can take action. बट एक्शन लेने के लिए आप ये ऐसा नहीं कि अरे यार मेरा दिमाग ये काम नहीं कर रहा है दिल नहीं कर रहा है तो मैं एक्शन नहीं लूंगा करके एक्शन लेने के लिए बोलो यार ठीक है सब भय है इट इज ब्रेक डाउन मैं फील अच्छा नहीं कर रहा हूँ गॉट इट बट लेट मी टेक दिस एक्शन विद कंप्लीट अलाइनमेंट एंड इट विल हैपन बेसिकली ठीक है सो यू गॉट ऑल द थ्री थिंग्स Do you think these three things will make you successful? अगर हम implement करते हैं तो. Thank you very much, Namdeep ji. Really, it is mind opening. Thank you. Yeah. कोई share कर सकता है इसके बारे में, so that I will also मतलब समझेगा मैं deliver कर रहा हूँ करके आपको. Yes, sir. Yeah.
you said that what you think, what you think and what you do, when all these three things we work together and is in action, then only we can work efficiently and with the situation what you really want to do. Madam, आपका ना आवाज नहीं आ रहा मेरे को. रश्मि बोलूं मैं? अभी आई? अभी आई हूँ. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. What we think, what we feel, and what we do, all these three things should be aligned with ourselves so that we can work efficiently and get the things done, whatever we want. Yeah. Okay. और कोई शेयर करना चाहेगा सेशन का समराइजेशन? सर, इसमें एक चीज ऐड कर सकते हैं. What we say, हम बोलते क्या हैं? हाँ. हम बोलते क्या हैं? What we say. हाँ, हो सकता है उसमें. तो आपने बताया कि अगर हमको सस्टेनेबल सक्सेस चाहिए है तो हमको तीन बातों को मेंटेन करना है. सबसे पहले जो आपने बताया कि हमको स्किल इस बारे में एक्वायर करनी है ताकि हम उसमें परफेक्शन ला सके. दूसरा आपने बताया कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए. जो हमने एक अपना प्लान बनाया है उसको हमको फॉलो करना है. किसी दिन थोड़ा किया, किसी दिन ज्यादा किया, इससे हम सक्सेस मिलेगी, बट दैट इज नॉट कॉल्ड सस्टेनेबल सक्सेस. और थर्ड वाला जो आपने बताया कि मिक्स्ड एसोसिएशन, दैट वाज सुपर्ब, कि हर काम के लिए अगर ये तीनों चीजें अलाइन होंगी, दिल और दिमाग हमारा अलाइनमेंट में होगा और हम उस तभी हम उस बात में फोकस हो पाएंगे. तो सक्सेस के लिए ये तो सबसे ज्यादा जरूरी, किसी भी फील्ड में, चाहे वो घर की लाइफ हो या आपका बिजनेस हो, एनीवेयर. तो ये वाला फॉर्मूला हमको बहुत ही अच्छा लगा आपको, कि किसी भी काम को करने से पहले हमको फोकस होना है, अपने दिल और दिमाग को अलाइन करके हैप्पी मूड में रहना है, उसमें काम करना है. दैट आई गॉट. यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच रश्मि जी. दिल, दिमाग और इच्छा एनर्जी के साथ एक ही डायरेक्शन में काम करें. यस यस यस. और एटीट्यूड भी तो जरूरी है ना रामजी जी. एटीट्यूड हमारा चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, तो एटीट्यूड अगर होगा तभी हम ये सब अलाइन कर पाएंगे. बराबर है. Namdev ji, can I add something to what you have said? Bilkul, bilkul. Actually, meko just yaad aaya, ye concept jo hai, ye Vidur Niti se aata hai, jo unhone diya, usme wo baat karte hai char cheez ka. One is Rag, second is Yog, third is Dakshata, and fourth is Tantra. So Rag is attachment or association with the experts. Yog is collection of relevant resources. Dakshata is competency, skill, jo aap bol rahe hain, and tantra is strategy that you can never have unless and until there is a complete alignment of what you feel, what you think, and what you do. So even your words are actions. So yeah. What we speak is action. So thank you. It was amazing. Yes, it's very beautifully created, Anuradha ji. Yes, thank you. Aur ye jo tino success ke jo mantra ya formula hai, it is actually मतलब demonstrate किए हुए हैं. ऐसा नहीं कि it is not in knowledge domain, it is from the action domain it has come. So it is already 551. So thank you so much each one of you from my bottom of my heart for listening me, providing me the listening. Thank and really you. Thank you for each one of you. Thank you so much, Dilip. Thank you, Namdev. For giving this opportunity. एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आज शाम को 7 बजे हमारा सेशन होने वाला है, तो आप सभी लोग आ सकते हैं. एट द सेम टाइम नामदेव, स्पेशल थैंक्स कि आपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के हिसाब से जो क्रिएट किया है वो बहुत बेहतरीन था. मुझे आपका सबसे अच्छी चीज जो लगी वो लगी सस्टेनेबल सक्सेस. दुनिया में सक्सेस तो हर कोई पीछे भाग रहा है, लेकिन सस्टेनेबल सक्सेस इज अ की. मतलब अगर यही अगर मंत्रा सबको मिल जाए तो मेरे ख्याल से लाइफ बल्ले बल्ले है. तो स्पेशल थैंक्स कि जिस तरह से आपने क्रिएट किया और समय पे कंप्लीट किया, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू. Thank you. हम लोग रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे. Thanks, Namdev. Thank you. सभी भेज देंगे आपको, ताकि अगर आपको और भी डिटेल में उनसे बात करनी तो आप कर सकें.
कल फिर से हम एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करेंगे. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. सी यू. शाम को 7 बजे सेशन है. जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू. बाय. सी यू. थैंक यू सर. बाय. बाय. थैंक यू सर.